फ्रिक्शन ऑलरेडी कंसिडर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैकेनिक्स, है ना। और भी चैप्टर है, और एक डिफिकल्ट चैप्टर है रोटेशनल डायनेमिक्स, अगर हम लोग पढ़ेंगे तो क्या मालूम कब तक जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, वो डिपेंड करता है तुम लोगों का स्पीड और इंटरेस्ट और एबिलिटी के ऊपर। तो थोड़ा दो क्लास हम लोग फ्रिक्शन के ऊपर देख चुके हैं, थोड़ा सा वन लाइनर में चीज़ों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कशन कर लेते हैं, लिख भी लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा। फ्रिक्शन क्या था? इट्स ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो चीज़ें आप नहीं बोल पाओगे उसको लिखेंगे। कब डेवलप होता है फ्रिक्शनल फोर्स? व्हेन देयर इज ए रिलेटिव स्लाइडिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। इसका डायरेक्शन क्या होता है? डोंट से अपोजिट टू मोशन, ये बहुत ही गलत तरीका है बोलने। अपोजिट टू मोशन, जब आदमी चलता है फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू मोशन होता है क्या? नहीं, व्हेन मैन इज वर्किंग इट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट इज अपोजिट टू द स्लाइडिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द टू सर्फेसेस आर इक्वल एंड अपोजिट, बट दे डू नॉट कैंसिल आउट ईच अदर। व्हाई? बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। दो हाथ को रगड़ता हूँ, दोनों हाथ में फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, कैंसिल कैसे हो? है कि लोग कहते हैं टिट फॉर टाट, वो मेरे को एक थप्पड़ मारा, मैं उसको एक थप्पड़ मारा, कैंसिल हुआ। होता है क्या? कैंसिल हुआ, इसको भी दर्द हुआ, उसको भी दर्द हुआ। कैंसिल कुछ नहीं होता, ऐसे कैंसिल होता तो मारा वो तुमको एक थप्पड़ मारा और तुम उसको एक थप्पड़ मारूंगा तुरा दर्द गायब हो गया, तुम बोले हाँ कैंसिल हुआ, गायब होता है? नहीं होता है। तो दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। कोई भी फोर्स के बारे में सब कुछ जानने के लिए फोर्स की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जानना है, और हम देख चुके हैं व्हाट इज द डायरेक्शन अपोजिट टू द स्लाइडिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। और कभी कभार ये मिसकंसेप्शन में हम लोग रहते हैं कि जब कोई बॉडी मोशन में है स्लाइड कर रहा है, हो सकता है कि द फ्रिक्शनल फोर्स इज इन द डायरेक्शन मोशन और अपोजिट डायरेक्शन मोशन, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है कि द फ्रिक्शनल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन मोशन और एनी अदर डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। देखेंगे थोड़ा और हायर अंडरस्टैंडिंग के बाद वो सब चीज़ें समझ में आया। हो सकता है कोई बॉडी ऐसे जा रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर टू द मोशन, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपन द टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग देखें कि हाउ टू फाइंड व्हाट इज अप्लाइड फोर्स। हम लोग देखें क्या था अप्लाइड फोर्स? नेट एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। व्हाट वॉज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स? द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट मे एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। फिर हम लोग देखें कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू आर, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि म्यू क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में नहीं लिखा है तो ये गड़बड़ करता है। फिर हम लोग देखें कि हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। देखे कि कोई बॉडी अगर स्टेटस बॉडी का देखे तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स वाज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। अगर वो स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स वाज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ये कौन है? और अगर इसका स्टेटस मालूम नहीं है तो हम फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालते हैं? ये फ्रिक्शनल फोर्स इज स्मॉलर वैल्यू आउट ऑफ एफ ए एंड एफ एल, ये भी हम लोग देख चुके हैं, है ना। इतना तक हम लोग देखे थे और एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिए थे, तुम लोग ट्राई किए होगे। लेट अस डिस्कस दैट क्वेश्चन। क्या ये चीजें जो लोग एब्सेंट थे उनको समझ में आया? लास्ट एग्जांपल बताएंगे ना, वो जो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ था उसका पहला वाला स्प्रिंग नहीं था, वो चेन था। तो ठीक है, यू कैन वेट फॉर 5 मिनट्स इन द लास्ट आफ्टर द क्लास, आई कैन एक्सप्लेन, क्योंकि वीडियो में ऑलरेडी है, प्रीवियस वीडियो में बोर हो जाएंगे लोग। आफ्टर द क्लास यू कैन वेट फॉर 5 मिनट्स, आई विल एक्सप्लेन। तो लास्ट क्लास वी हैव टेकन ए क्वेश्चन लाइक दिस। यहाँ पर कोई एक छोटा ब्लॉक था मास m का, ये बड़ा ब्लॉक कैपिटल m का। यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 1 है, इसके और फ्लोर के बीच में म्यू 2 है, और ये ऊपर वाले ब्लॉक को कोई फोर्स एफ 0 पुश कर रहा है जैसे आपको दिख रहा है। पूछा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन फ्लोर, फ्लोर पे क्या फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है। कंडीशन दिया हुआ है, क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है? इफ ऑल ब्लॉक्स आर एट रेस्ट, कोई भी मूव नहीं कर रहा है। इफ ओनली अपर ब्लॉक इज स्लाइडिंग, पुश किया मान लो कि लोहे का है
कि लकड़ी का लकड़ी वाला स्लाइड करने लगा, ओनली अपर ब्लॉक इज स्लाइडिंग. इफ अपर ब्लॉक डज नॉट स्लाइड बट द सिस्टम स्लाइड्स, मतलब ये तो इसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा, मान लो ये लोहे का है और नीचे रखा है थर्मोकूल का, पुश करेंगे थर्मोकूल को लेके दोनों चलेंगे, है कि नहीं. सो अपर ब्लॉक डज नॉट स्लाइड बट द सिस्टम स्टार्ट स्लाइडिंग. एंड फोर्थ केस को मैं यहां पर थर्ड ले दिया. फोर्थ केस था बोथ ब्लॉक्स स्लाइड विथ डिफरेंट वेलोसिटी. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को, पहला केस में नॉन ऑफ द ब्लॉक्स स्लाइड. तो मैं क्या करता हूं, पहले ये सबको थोड़ा मैं अलग अलग कर देता हूं. ये तुम थोड़ा नीचे आ जाओ और तुम भी और नीचे आ जाओ. बस ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, नॉन ऑफ द ब्लॉक्स आर मूविंग. बिट नंबर वन पूछा है फ्लोर पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा. हर एक का त्रिभुजी डायग्राम देखते हैं, ये मूव नहीं कर रहा है, ऊपर वाला ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो इसको कौन रोक रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स. कितना फ्रिक्शनल फोर्स होगा, बट इज द फ्रिक्शनल फोर्स इफ इट इज नॉट मूविंग, इट शुड बी इक्वल टू एफ जीरो. तो आप कहोगे यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एफ जीरो है, इसलिए मूव नहीं कर रहा. ये फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर दिया कौन, ये नीचे वाला ब्लॉक इसके ऊपर लगाया फोर्स. द फोर्स इज बिटवीन द ब्लॉक्स. तो आप कहोगे कि ऊपर वाला भी नीचे वाले के ऊपर फोर्स लगाएगा एफ जीरो. लेकिन दिया कि नॉन ऑफ द ब्लॉक्स आर मूविंग, मतलब ये भी मूव नहीं कर रहा है, तो इसको कौन रोक रहा होगा, इसके नीचे का फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं. इसके नीचे कितना फ्रिक्शनल फोर्स होगा, कितना हुआ, सेम एफ नॉट, क्योंकि मूव नहीं कर रहा है कि नहीं, रोकने वाले और कोई फोर्स नहीं. अब इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स है दिया कौन, फ्लोर. तो फ्लोर के ऊपर क्या फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, सो यू सी द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द फ्लोर इज एफ नॉट. क्या बात समझ में आया, पहला बिट क्या था, नॉन ऑफ द ब्लॉक्स आर मूविंग. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन है हेलो सर, नहीं तो लैंडस्केप मोड. हाँ 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 ही थे बोलते मैंने पूर्ण देखी दी करी दे दी वैसे करी अच्छे दे दी वैसे क्या अपन प्रिंटर इटो की चेंज कर देंगे लैंडस्केप मोड को. मुझे भी क्लास चल तब व्हाट्सएप दे दीजिए, उसमें बच्ची करो तो व्हाट्सएप डिस्प्ले कर देंगे. हाँ तो क्या हुआ, कहाँ थे हम लोग, यहीं तो थे. बीट नंबर टू, बीट नंबर टू में देखेंगे. बीट नंबर टू में क्या दिया है, ओनली अपर ब्लॉक इज स्लाइडिंग. फिर से सबको अलग अलग करो, ये तुम ही नीचे आओ. ओनली अपर ब्लॉक इज स्लाइडिंग, लोअर ब्लॉक एट रेस्ट. बीट नंबर टू अपर ब्लॉक स्लाइड कर रहा है भैया, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, ऐसे होगा, कितना होगा, न्यू इंटू आर. आर कितना है इसके लिए, आर कितना है, आर इज एम जी, इसके लिए आर है, चलो इसको कहते हैं आर वन. आर वन कितना, ये हो गया म्यू आर वन. आर वन कितना है एम जी, आर वन अगर एम जी हुआ, ये एम जी है एट इक्विलिब्रियम, आर वन इज एम जी, तो म्यू आर वन हो गया म्यू एम जी. इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आया म्यू वन एम जी, ये म्यू आर एम जी दिया कौन, ये. तो इसके ऊपर क्या फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, म्यू वन एम जी. इसके ऊपर आया म्यू वन एम जी, ये लेकिन मूव नहीं कर रहा, नीचे वाला मूव नहीं कर रहा, मतलब इसके ऊपर भी तो कुछ फ्रिक्शनल फोर्स होगा, कैसे होगा, जो इसको रोक रहा होगा, कितना होगा फ्रिक्शनल फोर्स, मूव नहीं कर रहा है तो म्यू वन. तो फ्लोर के ऊपर क्या होगा, आर यू गेटिंग हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग. व्हेन द अपर ब्लॉक इज मूविंग, ओनली अपर ब्लॉक स्लाइड्स. पहला केस में क्या था, उसका पहला वाला केस में नॉन ऑफ द ब्लॉक्स मूव्स, नॉन ऑफ द ब्लॉक्स मूव. तीसरा केस में दिया है कि
upper block is not sliding, but the system is sliding. तो system slide कर रहा है. क्या बता सकते हो ये तो दोनों मिलके जा रहे हैं. मतलब you can consider them as a single block. ये दोनों मिलके जा रहे हैं तो एक ही ब्लॉक है. सोचो दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं. There is no relative sliding between upper block and lower block, but this system is moving. तो यहाँ पर कुछ normal reaction तो होगा. How is the normal reaction? How much is the normal reaction? Can anyone say? Small m plus capital M plus m into small m plus capital M into g. और ये slide कर रहा है भैया तो frictional force कैसे होगा ऐसे? नहीं कितना होगा? Nu two times r small m plus capital M into g. क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो फ्लोर के ऊपर क्या आएगा? ये फोर्स इसको कौन दिया? फ्लोर दिया तो फ्लोर के ऊपर वही आएगा. कितना? इट इज सेम म्यू टू इनटू आर. आर क्या है? कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन होल इनटू जी. क्या हुआ इसमें? थर्ड केस में क्या था? थर्ड केस में था एम डज नॉट स्लाइड बट एम डज नॉट स्लाइड बट कैपिटल एम स्लाइड्स. यही तो था. फोर्थ वाला केस कुछ अलग था. सर एम डज नॉट स्लाइड. सर दोनों तो मिलकर. हाँ तो दोनों मिलकर स्लाइड नहीं कर रहे. एम स्लाइड कर रहा है क्या? एम रखा हुआ नीचे वाला स्लाइड कर रहा है. स्लाइडिंग तब होता है व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू. क्या ये विद रिस्पेक्ट टू दिस मूव कर रहा है? स्लाइड कैसे कर रहा है? मैं हाथ ले रहा हूँ आगे. क्या ये पेन स्लाइड कर रहा है? नहीं, इट इज केप्ट ऑन माय हैंड. इट्स मूविंग विद माय हैंड. हाँ तो ये हो गया. अच्छा ये केस भी बन गया. अगला केस लास्ट केस में दिया है. बोथ ऑफ देम आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज. दोनों मूव कर रहे हैं अलग अलग वेलोसिटी में. ये ऊपर वाला एक वेलोसिटी में, नीचे वाला कोई दूसरा वेलोसिटी में. बिट नंबर फोर में दिया है बोथ ब्लॉक्स स्लाइड विथ डिफरेंट वेलोसिटीज. ठीक है, क्या कोई मुझे बताएगा ये ऊपर वाला स्लाइड कर रहा है तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन तो आर वन आ रहा होगा. तो जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा होगा कितना होगा? वो म्यू आर वन. जबकि आर वन क्या है? स्मॉल एम जी. सो इट इज म्यू आर एम जी. तो इसके ऊपर क्या फ्रिक्शनल फोर्स आएगा? म्यू आर एम जी. क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द टू सरफेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट आर इक्वल एंड अपोजिट. लेकिन ये स्लाइड कर रहा है. स्लाइड कर रहा है तो यहाँ पे क्या नॉर्मल रिएक्शन है? दैट विल डिसाइड द फ्रिक्शनल फोर्स हियर. क्या बता सकते हो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आर टू क्या है? Yes, capital M plus small m into g. सर कैसे हुआ फ्री बॉडी डायग्राम से? अरे ये mg है और ये r1 इसको दिया है तो ये भी तो r1 दे रहा होगा. दे रहा होगा या नहीं दे रहा होगा? r1 कितना है? mg. और इसका खुद का mg. दोनों मिलके capital M plus small m into g. क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अब यहाँ पर ये स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा भैया? इट विल बी म्यू टू टाइम्स आर और आर टू है कि नहीं? Yes. और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स उसका अपोजिट कितना? न्यू टू इंटू आर टू. क्या सारा केस समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, ये लास्ट क्लास दिए थे तुम लोग, ट्राई किए थे, कुछ बना था? Yes, sir. सारा हो गया था? Yes, sir. अरे मेरा टाइम खोटा हो गया. चलो ठीक है, तुम लोग अच्छे बच्चे हो. Some important note points. Frictional force depends on nature of surface of contact, but not on area of surface of contact. क्या है ये स्टेटमेंट? बोला है कि अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक सरफेस है, इस सरफेस पे
को एक ब्लॉक को मैं ऐसे खड़ा कर दिया, दिस ब्लॉक इज स्टैंडिंग लाइक दिस. एंड द सेकेंड केस आई टेक द सेम ब्लॉक एंड आई लेट इट डाउन ऑन द फ्लोर, इसको ऐसे कर दिया. अच्छा, अगर मैं ये रेस्ट में है, मान लो कि मैं इसको पुल करके मूव करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये स्लाइड कर रहा है, तो अगर इसका मास m है तो यहाँ पर आपको फ्रिक्शनल फोर्स क्या मिलेगा? व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स हियर? यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या मिलेगा? म्यू m g. और यहाँ पर अगर इसको मैं खींच के मूव करवा रहा हूँ तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या मिलेगा? फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा सेम म्यू m g. लेकिन एक केस में ज्यादा एरिया कॉन्टैक्ट में, एक केस में कम एरिया कॉन्टैक्ट में. डज इट डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इन कॉन्टैक्ट? नो. समझ में? अगर स्लाइड कर रहा है तो दोनों का फ्रिक्शनल फोर्स बराबर होगा. और मान लो कि रेस्ट में, तो इसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स है वही होगा, इसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स है वही है. मतलब अगर दोनों में बराबर अप्लाइड फोर्स देंगे, फ्रिक्शनल फोर्स वही होगा. कितना एरिया कॉन्टैक्ट में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. ज्यादा एरिया कॉन्टैक्ट में रहने से ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ऐसे सोचना गलत है. ऐसा होता इसलिए है. हाँ सुनो, क्लास में हूँ, बोलो क्या काम था? छह बजे बात करो. हाँ तो मैं क्या बोला यहाँ, हाँ क्या बोल रहे थे तुम? ऐसे क्यों होता है? देखो जो फोर्स होता है क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रिलेटिव स्लाइडिंग. दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच रहे हैं, स्लाइड करेगा तभी होगा. अब मॉलिक्यूल कितना जोर से एक दूसरे को खींच रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है कि कितने जोर से प्रेस्ड है कि नहीं. तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा जोर से प्रेस्ड है लेकिन एरिया कम है. लेकिन यहाँ पर क्यों? क्योंकि इसका जो फोर्स है इतनी एरिया में आ रहा है, प्रेशर इज मोर, जबकि यहाँ पर प्रेशर इज लेस, बट एरिया इज मोर. सो प्रोपोर्शनेटली सब कुछ एडजस्ट हो जाता है. समझ में? दूसरा हुआ पॉइंट नंबर टू, कि चाहे वो कोई कार हो या इंसान हो, कोई भी हो, जैसे हम कहेंगे हम कार के अंदर बैठे, एक्सीलेटर दबाए, कार चलने लगा. इट इज मूविंग बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द इंजिन. ये गलत है. इंजिन गिव्स एन इंटरनल फोर्स. आगे आगे हम लोग न्यूटन लॉ पढ़ने वाले हैं. जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा. तुम कार के अंदर बैठ के इग्निशन स्टार्ट किया और एक्सीलेटर दबाए तो कार कैसे चल सकता है? व्हाट हैज टू मूव? फ्रिक्शनल फोर्स, व्हिच इज द एक्सटर्नल फोर्स. चाहे कितना भी पावरफुल कार हो, अगर कीचड़ में गया है या फिर किसी नीचे तेल डाल दिया है तो वहीं पे फिसलते रहेगा, वो आगे जा नहीं पाएगा. समझ गए? समझ में आ रहा है? सो द कार कैन एक्सीलरेट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, नॉट बिकॉज ऑफ योर इंजन फोर्स. इंजन हेल्प्स टू रोटेट द व्हील्स. The wheels produce a frictional force. That acts as the external force, which helps the car to move. समझ में आ गया? कार को मूव करवाता है फ्रिक्शनल फोर्स. मतलब बिना फ्रिक्शन का कार भाग नहीं सकता. कोई आदमी भी चलता है तो फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल होगा तभी वो जा पाएगा. समझ में आता है? फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल नहीं होगा तो नहीं जा पाएगा. चाहे यहाँ पर हम कोई भी एक स्प्रिंटर को छोड़ देते हैं, पीटी ऊषा को छोड़ देते हैं, तेल डाल के भाग सकती है क्या? नहीं. वाइल्ड एनिमल को हम लोग जो सीक रहते हैं वाइल्ड एनिमल, उनको रखने के लिए ऐसे ही कहते हैं. बहुत बड़ा सा एरिया लेते हैं जहाँ पर पूरा स्मूथ कर देते हैं, उनको खुला छोड़ देते हैं, बांध के नहीं रख सकते. वो भाग भी नहीं सकते, वहीं पड़े रहते हैं. ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि विदाउट फ्रिक्शन यू कैनॉट मूव. कभी मूवी वगैरह में देखे हो गए, वो मोस्टली हीरोइन को दौड़ाता है कोई. हीरो को कोई नहीं दौड़ाता है, नहीं, विलेन को दौड़ाता है. हीरोइन को जब कोई दौड़ाता है, शेर या भूत या कोई विलेन दौड़ता है, दौड़ाता है, दौड़ते दौड़ते वो बार बार गिरती है कि नहीं? तुम दौड़ते हो बार बार गिरते हो क्या? नहीं, वो गिरती है बार बार. क्यों बार बार गिरती है? क्योंकि यू हैव टू रन विथ ए मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स. मैं अगर खड़ा हूँ तो मेरे पाँव पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? म्यू एम जी. तो यूजिंग दैट मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स मैं भाग सकता हूँ. मैं कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन में दौड़ सकता हूँ? कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन में दौड़ सकता हूँ? जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है बाई मास. मेरा मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो सकता है म्यू जी. मुझे ज्यादा एक्सीलरेशन करना है तो मुझे ऐसा जूता लेना पड़ेगा कि जो बहुत रफ है. रेस में भागने वाले का जूता रफ होना चाहिए कि स्मूथ होना चाहिए? रफ होगा तो जोर से भागेगा. रेसिंग कार का टायर रफ होना चाहिए कि स्मूथ होना चाहिए? स्मूथ होगा तो भागेगा क्या?
लेकिन सोचो जिस रास्ते पे आप जा रहे हो कार को एक्सीलरेट करके ले रहे हो, मान लो बहुत जोर से एक्सीलरेट करवा दोगे, क्या होता है कभी कोई देखते हो टायर इतना जोर से घिस जाता है कि पीछे से धुआं निकल जाता है, बिकॉज ऑफ हीट है कि नहीं, धुआं निकल जाता है, क्या हो जाता है, क्यों उसके तो कार है एक्सीलरेटर दबाओ तो फ्रिक्शन से चलते चलना चाहिए, इतना जोर से वो अप्लाइड फोर्स देता है कि फ्रिक्शनल फोर्स उसको रोक नहीं पाता है, वहीं फिसलते रहता है। कभी देखे होगी कीचड़ में अगर गाड़ी फंस गया है, वो बहुत जोर से एक्सीलेटर दबा रहा है, चक्का बहुत जोर से घूम रहा है, लेकिन गाड़ी धीरे धीरे आगे जा रहा है क्योंकि बहुत लेस फ्रिक्शन अवेलेबल है। आर यू गेटिंग? सो व्हाट हेल्प्स यू टू मूव इज द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा तब नहीं चल सकते। कोई नॉर्मल आदमी आर्थ की सरफेस पे चलेगा तो मैक्सिमम कितना एक्सीलरेशन में जा सकता है? म्यूजी उससे ज्यादा एक्सीलरेशन में जाने की कोशिश करेगा, पांव फिसलेगा, गिरेगा, बिकॉज यू पुश द फ्लोर एंड रन फॉरवर्ड। अगर पुश करने से आपका पांव नहीं फिसला तभी ना आप आगे जाओगे, इतना जोर से पुश किए कि पांव ही फिसल गया तो जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते। कभी देखे होगे मूवी वगैरह मूनवॉक करते हैं लोग, हैव यू एवर सीन? ऐसे क्यों करते हैं? ऐसे जाता है, ऐसे करके जाते हैं ना पांव में, हाथ में दिखा रहा हूँ, कैमरा में नहीं आएगा ना, पांव दिखाऊंगा तो कैसे आएगा, नीचे आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ऐसे करके चलते हैं, देखे होगे नहीं मूनवॉक कभी, क्यों ऐसे चलते हैं, क्यों कभी सोचे हो? इसलिए क्योंकि मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? 1/6 ऑफ दैट ऑन अर्थ। आप यहाँ पर जो एक्सीलरेशन में जाते हो नॉर्मल एक्सीलरेशन वो म्यूजी है, तो वहां पर कितना जोर से चलना चाहिए? म्यूजी बाई 6। लेकिन आप चलते हो अर्थ में जैसे, तो चलोगे तो क्या होगा, पांव फिसलेगा। सो ही इज फिसलिंग एंड वॉकिंग लाइक दिस। सो द मैन, आर यू मस्ट अंडरस्टैंड फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग। जो वो मूनवॉक कह रहा है उसका पांव ऐसे ऐसे फिसल रहा है, ऐसे ऐसे करके आगे जा रहा है, इसको कहते हैं मूनवॉक। कभी सनवॉक देखियो, सनवॉक ये करता नहीं। अगर इसको हम मार्स वॉक कहेंगे तो मार्स इज बिगर देन अर्थ और स्मॉलर देन अर्थ। अगर जुपिटर वॉक करेंगे तो आपको ऐसे होगा क्या? जुपिटर क्या जुपिटर में गैस है? लैंड नहीं है, मेरे को मालूम नहीं, तुम्हें मालूम होगा, मेरे ज्योग्राफी बहुत वीक है। साइंस है क्या? एस्ट्रोनॉमी। अच्छा चलो ठीक, क्या ज्योग्राफी एक साइंस नहीं है? ज्योग्राफी नो, ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट साइंस, उसके पीछे जाओगे तो। आ इंडिया का शेप ऐसे क्यों हुआ है, कोई बताया गया तुम लोग? नहीं, वो जो टूटा इसका शेप जैसा हुआ है किसी दूसरे का शेप ऐसे ही होगा, जोड़ोगे तो मैच हो जाएगा, जैसे क्रॉसवर्ड पजल्स होते हैं ना, जोड़ने के लिए पजल्स होते हैं ऐसे ही। वो जब टूटा मतलब जो क्या कहते हैं जो, हाँ तो उसके हिसाब से वो ज्यादा बताएंगे तो पकड़ में आ जाएगा, मेरे को नहीं आता है बोल के, ठीक है जितना आता है बता दिया। तो मैं कहा था फ्रिक्शन, समझ में आया? सो विथ व्हाट मैक्सिमम एक्सीलरेशन मैन कैन रन? म्यूजी। अच्छा, विथ व्हाट मैक्सिमम रिटार्डेशन एक कार कैन स्टॉप? अब बोलोगे ब्रेक मारेगा रुक जाएगा, जितना जोर से ब्रेक मारेगा उतना जल्दी रुकेगा? नो। मान लो आप स्लिपरी रोड में जा रहे हो, जोर से ब्रेक मारोगे चक्का घूमना बंद हो जाएगा, लेकिन कार नहीं रुकेगा, वो तो फिसलते हुए चलेगा। कार रुकता क्यों है? बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आया? तो कोई कार का मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो सकता है म्यूजी, और मैक्सिमम रिटार्डेशन हो सकता है म्यूजी। कंपनी कुछ भी दबा कर दे फर्क नहीं पड़ता है, डिपेंड करता है कि म्यू क्या है टायर और रोड के बीच में। समझ में आया? तो कोई चीज को हमें लिखना है, द मैक्सिमम एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन with which a car can move is mu into g। उससे ज्यादा एक्सीलरेशन में जाने की कोशिश करेगा उसका व्हील्स फिसलेंगे, इसलिए वो हीरोइन जिसके पीछे शेर पड़ा रहता है वो बार बार गिरता है क्योंकि जल्दी भागने की कोशिश करता है। आप यहीं पे खड़े हो, कोई बोला दौड़ के जाते हो, दौड़ के चले जाते हो, सडनली सांप दिखा, इतने जोर से दौड़ के जाते हो गिर जाते हो कि नहीं गिर जाते हो? क्योंकि यू ट्राई टू रन विथ एन एक्सीलरेशन मोर देन द पॉसिबल एक्सीलरेशन फॉर यू, तो पांव फिसल जाता है, अब गिर जाते हो। समझ में आया? तीसरा हुआ, क्या ये फ्रिक्शनल फोर्स? सर, वो कार के केस में रिटार्डेशन में कैसे म्यूजी हो रहा है? जैसे कार में आप ये मान लो कार हो या साइकिल हो, आपने ब्रेक लगाया तो ब्रेक शू कहाँ लगाया भाई? यहाँ लगाया ना, वो व्हील को घूमना बंद कर देते हैं, लेकिन इसके पास कुछ वेलोसिटी था, कौन रोकेगा इसको अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है तो? आप तो बोले तो वो वेट का एक्चुअल टॉर्क लगाकर, हां सर आप तो बोले थे कि वो वेट एसिड एक टॉर्क लगा के वो वेलोसिटी को, वो तो ठीक है जब ब्रेक लगा रहे हो तो पेडल कर रहे हो क्या?
हाँ वही तो बोले, तब तो हम पेडलिंग की बात कर रहे थे। व्हेन यू आर पेडलिंग ए बाइसाइकिल, नॉट पेडलिंग ए बाइसाइकिल, यू आर गोइंग डाउन इन इंक्लाइन, यू आर गोइंग अप इन इंक्लाइन, सब केस में फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग होता है। अब मान लो कि कोई साइकिल जा रहा है, आपने ब्रेक लगाया, तो आपका ब्रेक के कारण ये चक्का घूमना बंद कर देगा, लेकिन ये साइकिल क्यों रुकेगा जब तक यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं मिलेगा। तो मान लो आप दौड़ दौड़ के गए, कहीं तेल पड़ा था, वहां पर दौड़ना बंद कर दिया, अब रुक जाओगे क्या, फिसलते हुए चले जाओगे। सेम थिंग हैपेंस विद द कार और द साइकिल। इसलिए बारिश में गाड़ी चलाते वक्त केयरफुल रहना चाहिए। यू आर ऑल एक्विप्ड विथ योर ब्रेकिंग सिस्टम। मैं ब्रेक मारता हूँ, इतने दूर में रुक जाता हूँ। बारिश में भी उतनी स्पीड में जाके उतने जोर से ब्रेक मारोगे तो उतने दूर में नहीं रुकोगे, और ज्यादा दूर फिसल जाओगे। इसलिए कार में बारिश में जाते वक्त धीरे धीरे जाना चाहिए, क्योंकि स्लिपरी रहता है, न्यू कम हो जाता है बिकॉज ऑफ लुब्रिकेशन, है ना। अच्छा ये बात भी समझ में आया, क्या फ्रिक्शनल फोर्स किसी बॉडी को एक्सीलरेट करवा सकता है? हाँ करवा सकता है। क्या फ्रिक्शनल फोर्स किसी बॉडी को रिटायर्ड करवा सकता है? वो भी करवा सकता है। तो ये गलत फहमी है कि फ्रिक्शनल फोर्स खाली रोकता है, चलने में भी मदद करता है। इट हेल्प्स इन एक्सीलरेशन एज वेल एज रिटार्डेशन। बताओ मैं ये पेन मेरे हाथ पे रखा है, मैं हाथ को मेरी तरफ लाया, पेन के और मेरे हाथ के नीचे फ्रिक्शनल फोर्स है कि नहीं जब मैं हाथ को लाया? वो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में? द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द पेन इज टुवर्ड्स मी और अवे फ्रॉम मी? टुवर्ड्स यू। क्यों? क्योंकि मैं अगर हाथ को जोर से खींचूंगा ये पेन फिसल के गिर जाएगा, बिकॉज ऑफ द स्यूडो फोर्स, मतलब इसका फिसलने का टेंडेंसी है। रोका रोक रखा है कौन? फ्रिक्शनल फोर्स। वो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है? इधर को है। दैट मींस द पेन इज कमिंग टू मी नॉट बिकॉज ऑफ माय हैंड बट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अंदर वाली चीजों को समझो, प्रीवियस क्लास में बताए थे, जब किसी रस्सी को आप पकड़ के चढ़ते हो, ये हो आप, द टेंशन इन द रोप इज नॉट योर वेट। इफ यू सी द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ यू, तो आप नीचे फिसलने वाले हो, आपके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा है, और ये जो रस्सी है, रस्सी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा है, दैट क्रिएट्स द टेंशन। चाहे आपका वेट कुछ भी हो, अगर आपके हाथ में तेल डाल दिया जाएगा तो रूप में टेंशन बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि आप फिसल रहे हो। समझ में आ रहा है? ये अंदर वाली चीजों को भी समझ में आना चाहिए। लास्ट क्लास में बता रहा था ना, दिया जल रहा है, दिया जल रहा है क्या? कोई बोलता नहीं नहीं बाती जलता, बाती जलता है क्या? नहीं, ऑयल। देखना चाहिए कि जल क्या रहा है एग्जैक्टली। हम लोग कह देते हैं दिया जल रहा है, दिया जलता है तो जैसा ही वैसा रहता है जलने के बाद भी, नहीं? अच्छा, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैन एक्सीलरेट एज वेल एज रिटार्ड। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, क्या कैन फ्रिक्शनल फोर्स एक्सीलरेट ए बॉडी? यस, है ना। गिव एन एग्जांपल, व्हेन ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन इट इज एक्सीलरेटिंग। कैन इट रिटार्ड? यस, व्हेन इट अप्लाइज ब्रेक इट स्टॉप्स। समझ में? सो फ्रिक्शनल फोर्स कैन क्रिएट एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन एज वेल। क्या बात, समझ में आया? चलिए, इतनी सारी कंसेप्ट के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ नियमित निकास करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन विच केस मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक? सोचना है, सोचना है। ऐसे पुश करके मूव करवाना आसान है कि ऐसे पुल करके मूव करवाना आसान है? व्हाट इज इजी? क्यों क्यों? क्योंकि जब आप मूव करवाने की कोशिश करोगे, कितना फोर्स जो आपको रोकेगा वो तो फ्रिक्शनल फोर्स ही है ना, वो फ्रिक्शनल फोर्स है कि नहीं? ये फ्रिक्शनल फोर्स है। तो कौन सा केस में नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा? सोचो तो, आर वन ज्यादा है कि आर टू ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पर इसका वेट तो आ रहा है, बट इन एडिशन टू दैट ये जो फोर्स है इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैसा है? अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? ऐसे पुश करते वक्त नीचे भी पुश कर रहे है कि नहीं? इसका मतलब ये जो फोर्स F1 है, ये जो फोर्स F1 है, इसका एक कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, व्हिच इज इंक्रीजिंग द नॉर्मल रिएक्शन। इस केस में फोर्स का कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, व्हिच इज डिक्रीजिंग द नॉर्मल रिएक्शन। तो आप कहोगे R1 इज मोर देन R2, तो न्यू R1 इज मोर देन न्यू R2, तो इस केस में ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा। ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा, मूव करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप कहोगे पुलिंग इज इजी या पुशिंग इज इजी?
पुलिंग इज इजी, बट देन ये बड़ा मिसकंसेप्शन क्रिएट करता है। ऐसे ऐसे अगर पुल कर रहे हैं या फिर ऐसे पुश कर रहे हैं तो पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। क्या बात है बोल सर, पर पुलिंग करते वक्त वो उठ भी रहा है तो फिर उसका वेट? हाँ वेट तो है, इसलिए वेट कम हो गया ना। अरे यहाँ पर हल्का हो जाएगा कि नहीं? R2 will be less. R2 क्या हो जाएगा? Mg minus this. So, Mg minus this will be R2. समझ में आ रहा है क्या? लेकिन ये स्टेटमेंट को ऐसे जनरल इन जनरल याद मत रखो कि पुलिंग इज इजी, क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ बताओ, ये स्टेटमेंट जेई एडवांस में आ गया। व्हाट इज इजी? पुलिंग और पुशिंग, और बुक में ये स्टेटमेंट हर जगह मिल जाता है, तो बच्चे लिख दिए पुलिंग इज इजी। इट डिपेंड्स कि हाउ यू आर पुशिंग और पुलिंग। सपोज कोई ब्लॉक ऐसे रखा है, अगर ऐसे पुश करोगे या फिर ऐसे पुल करोगे कौन ज्यादा डिफिकल्ट होगा? F1 की F2 सेम। सो उसमें ऑप्शन था पुलिंग इज इजी, पुशिंग इज इजी, एंड थर्ड ऑप्शन था डिपेंड्स हाउ यू आर पुशिंग और पुलिंग। तो आंसर क्या होगा? इट डिपेंड्स हाउ यू आर पुशिंग और पुलिंग, जबकि बुक में ये अवेलेबल है पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। बच्चे सारे लिख के आ गए। मेरे को याद है 2008 का IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन, मेरे बच्चे सही लिख के आए थे, मैं कलर चौड़ा करके घूम रहा था। समझ में आया था बच्चों? समझ में आया? तो ऐसे मत याद रख देना कि पुलिंग इज ऑलवेज इजी। इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ यू आर पुशिंग और पुलिंग। इफ यू आर हॉरिजॉन्टली पुशिंग और पुलिंग बोथ आर इक्वली टफ, तो हमें यहाँ पे मेंशन कर लेना चाहिए। इफ यू आर हॉरिजॉन्टली लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे व्हेन ए बॉडी इज, इंपॉर्टेंट मार्क्स देके लिख सकते हो, व्हेन ए बॉडी इज हॉरिजॉन्टली पुश्ड और पुल्ड बोथ आर इक्वली टफ। समझ में आया? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। On a surface of less mu, one should walk with small steps or big steps? Small steps. क्यों? 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 सोचो, 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 सोचो। अच्छा, एक मिनट छोड़ो। वो तो आर्ट्स वाले भी बता देंगे। किसी को पूछोगे जो कभी स्कूल नहीं गया है, बोलोगे तेल पड़ा हुआ है, बड़ा बड़ा स्टेप लेके जाओगे कि छोटे छोटे स्टेप लेके? बोलेगा छोटे छोटे लेके जाना, सबको मालूम है। हम बोलेंगे तो क्या अंतर है? कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए ना। क्यों? सोचो, हमें क्या देखना है कि हमारा अप्लाइड फोर्स मस्ट, चलते वक्त अप्लाइड फोर्स मस्ट बी लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स और मोर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स? लेस। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा पांव ना फिसले। फिसलेगा कब? व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज मोर देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अगर सोचो ये सरफेस पे कोई आदमी ऐसा स्टेप डाला और कोई दूसरा आदमी ऐसा स्टेप डाला, तो ऐसा स्टेप डाला तो वो जो फोर्स डाल रहा है, फोर्स का जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट दैट इज द अप्लाइड फोर्स। क्या आपको मालूम है कि अगर ये फोर्स एफ है, ये कंपोनेंट कितना होता है? ए कॉस थीटा। थीटा काफी ज्यादा है, कॉस 90 है नहीं? थीटा बढ़ने से कॉस थीटा घटता है, एकदम शुरू शुरू में बचपन में पढ़ाए थे, है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पर देखो थीटा कम हो गया, क्यों पढ़ाए थे? समझ में आ रहा था चीजें? हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ाए थे, मेरे को क्यों चाहिए वो सब चीजें, मैं उसी हिसाब से पढ़ाया था। मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाया था, मेरी जरूरत की चीजें पढ़ाया था। तो यहाँ पे क्या हो गया? थीटा कम हो गया, तो एफ कॉस थीटा बढ़ गया, मतलब अप्लाइड फोर्स इज मोर, इट इज मोर लाइकली टू स्लिप। तो बड़ा स्टेप लोगे तो जल्दी फिसल जाओगे। समझ में आया क्या? कोई रफ प्लेन में अगर बहुत ज्यादा पाँव फिसल के आप खड़ा रह सकते हो, स्मूथ प्लेन में थोड़ा सा पाँव फैला के खड़ा रह सकते हो, ज्यादा फैलाओगे तो गिर जाएंगे, है ना? तो आंसर क्या होगा इसमें? स्मॉल स्टेप फॉर बिग स्टेप, स्मॉल स्टेप। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, अ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इंक्रीजिंग विद टाइम एज एफ इज इक्वल 10 न्यूटन्स। Find frictional force on the block at t equal 2 seconds. Solution. Here, what is applied force? कोई बताएगा? इसका वेट है, नॉर्मल रिएक्शन है ना? तो क्या कोई बताएगा अप्लाइड फोर्स क्या है? The force parallel to the surface of contact, which is 10 T. है कि नहीं? और limiting frictional force कितना हो सकता है? Mu into R. यहाँ पर limiting frictional force हो सकता है mu into R. That is mu is 0.6. R कितना है चिन्मय दत्ता? तो it is 30 N. इतना देर में तो you are in vibration mode. फिर क्यों रहे?
तो ये हुआ 30 न्यूटन, समझ में आया? अच्छा, अब 8 बीट नंबर 1, 8 टी इक्वल टू 2, अप्लाइड फोर्स कितना है भाई, अप्लाइड फोर्स कितना है, टी की जगह 2 डालो 20 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 30 न्यूटन, क्या होगा फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉलर आउट ऑफ द टू क्या है 20 न्यूटन, समझ में आया? आरडी रौनक दत्ता 8 टी इक्वल टू 4 सेकेंड्स, बताओ अप्लाइड फोर्स कितना होगा, टी की जगह 4 है तो चिल्ला के बोलो ना 40 न्यूटन। अच्छा लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, सेम मतलब बोलो कितना होगा, ये गलत तरीका है बोलने का, राम का घर कहाँ है, शाम के घर के सामने क्या होगा ये 30 न्यूटन, तो बताओ फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा 30 न्यूटन, क्या चीजें समझ में आ रहा है? चलिए अगला, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर 0.5, इन व्हाट मिनिमम टाइम ए कार कैन अटेन ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, हाँ देखो अब फटाफट बन गया, यू दिया है 0, आप जानते हो मिनिमम टाइम में उसको स्पीड लेना है तो एक्सीलरेशन शुड बी मैक्सिमम, व्हाट मैक्सिमम एक्सीलरेशन कैन हैव म्यू एम जी बाई एम, बिकॉज द फ्रिक्शनल फोर्स इज द एक्सटर्नल फोर्स हेल्पिंग इट टू मूव, कितना है म्यू जी, म्यू जी मतलब जी दिया है 0.5 तो हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या फाइनल वेलोसिटी चाहिए 90 किलोमीटर पर आवर, क्या आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या हो जाएगा 90 इंटू 5 बाई 18 इज 25 मीटर पर सेकंड, यू दिया है, ए दिया है, भी दिया है, टी तो कोई भी निकाल सकता है, क्या फॉर्मूला लगा देंगे भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहां से टी मिल गया 5 सेकंड्स, क्या बात समझ में आया? आगे इन ए ग्रेविटी फ्री रीजन जहां पर ग्रेविटी कुछ नहीं है फ्रिक्शनल फोर्स ही 0, ट्रू और फॉल्स, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट नेसेसरली बिकॉज ऑफ वेट, कोई चीज को हम प्रेस करें तो उसके लिए नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, वेट के लिए थोड़ी आ रहा है, तो है कि अगर भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं है फिर भी तो अप्लाइड फोर्स के हाँ तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं रहेगा तो फिर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स 0 हो जाएगा, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया कि फॉल्स हो गया, यस सो इट इज फॉल्स, क्यों, रीजन हुआ बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट नेसेसरली बिकॉज ऑफ वेट, इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन, है कि नहीं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6, ए ब्लॉक ऑफ 10 केजी इज केप्ट ऑन ए रॉक फ्लोर विद म्यू इक्वल टू 0.5, a force of 30 newton pushes it towards east, what additional force must be applied towards north so that it just so as to just move it, ab sochna hai ye koi block rakha hua hai kitna hai 10 kg ka hai, I'll go for other page, ab isme koi block rakha hua hai 10 kg ka hai, chaliye 10 kg ka hai, 10 kg का है तो आप कहोगे यहाँ पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगा कितना होगा, न्यू इंटू आर, न्यू कितना दिया है, न्यू दिया है समथिंग लाइक 0.5, आर कितना है, आर इज 10 जी, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 0.5 इंटू 10 जी इज 50 न्यूटन, यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है 50 न्यूटन, हमने टूवर्ड्स ईस्ट एक फोर्स दे रखा है, कितना फोर्स 30 न्यूटन, बोले टूवर्ड्स नॉर्थ क्या फोर्स देंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स, टूवर्ड्स नॉर्थ मतलब हॉरिजॉन्टल देंगे कि जस्ट मूव करेगा, सोचो ये ब्लॉक के ऊपर मैं इधर को दे रखा हूँ 30 न्यूटन, पूछा इधर को क्या फोर्स दूंगा, मेरा अप्लाइड फोर्स क्या होगा, मान लो दिया एफ सपोज, तो अप्लाइड फोर्स ये होगा कि ये होगा कि दोनों मिलके होंगे, दोनों मिलके होंगे, ये है 30 ये है एफ, तो अप्लाइड फोर्स क्या हो गया नेट दोनों मिलके, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स, रिजल्टेंट निकालना तो आता है आपको ना, ये 30 का स्क्वायर एफ का स्क्वायर फोर रूट ओवर, समझ में आ रहा है क्या, है ना, तो लेट रिक्वायर्ड फोर्स टू नॉर्थ इज एफ,
अप्लाइड फोर्स क्या हो गया भैया, एफ स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर होल रूट ओवर फॉर जस्ट मूविंग द ब्लॉक। अप्लाइड फोर्स क्या होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? इसका मतलब एफ स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर का रूट ओवर शुड बी 50 और एफ ही 40 न्यूटन। क्या बात समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? अच्छा है ना, समझ में आएगा तो अच्छा है, नहीं तो गौरव को समझ में आया? लास्ट वाला मतलब क्या, ये यहाँ से ये अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कैसे हुआ? वो तो वीडियो देख के आना चाहिए था। कोई बॉडी के ऊपर अप्लाइड फोर्स देंगे और धीरे 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 बढ़ाते जाएंगे, जब वो जस्ट चलने लगेगा मतलब मेरा अप्लाइड फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बराबर है। हाँ वो तो लिखा है जस्ट मूव इट। क्या लिखा है? टू जस्ट मूव इट मतलब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। आज जाके वीडियो दोबारा देख लेना। क्या सबको समझ में आ रहा है? एनी कंफ्यूजन? ये क्वेश्चन देखो, ए एंड बी आर कॉपर एंड आयरन ब्लॉक, ये कॉपर का है ये आयरन का है, दोनों का मास बराबर है, इसमें एफ वन फोर्स आ रहा है, इसमें एफ टू फोर्स आ रहा है, इसको एफ थ्री फोर्स खींच रहा है। इफ ए एंड बी आर इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, ये भी जस्ट चलने वाला है, ये भी जस्ट चलने वाला है, देयर एट द लिमिट ऑफ इक्विलिब्रियम, देयर एट द वर्ज ऑफ मोशन। समझ में आया? तो बोल रहा है कि ये भी व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एफ थ्री टू कीप द सिस्टम इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, ये सिस्टम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में रहेगा मतलब जस्ट चलने वाला होगा, एफ थ्री का वैल्यू क्या होने से। एनी आंसर फ्रॉम योर साइड? थोड़ा सा ट्राई करेंगे, थोड़ा है, थोड़ी की जरूरत है। चलिए फंडामेंटल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्राई करें, यू आर गिवेन 30 सेकंड्स ऑनली टू थिंक। अब यहाँ पर ये आयरन ब्लॉक है, कॉपर ब्लॉक है, फोर्स एफ वन एफ टू है, बॉडी जा रही है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। हाँ पहला आंसर आ रहा है टू एफ टू, देखते हैं। पहले आप बताओ इसमें ये ब्लॉक चलने वाला है, दिस ब्लॉक इज अबाउट टू मूव, थोड़ा सा इसको नीचे ले आओ, ये वाला ब्लॉक चलने वाला है क्योंकि उसके ऊपर कुछ नॉर्मल रिएक्शन है और फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, म्यू वन एम जी, है कि नहीं? क्यों म्यू वन लिखा? क्योंकि दोनों अलग अलग मटेरियल के हैं तो म्यू अलग अलग होगा। ये भी चलने वाला है, क्या इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स बता सकते हो? म्यू टू एम जी, इसका मतलब एफ वन कितना है, म्यू वन एम जी, एफ टू लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है ना, बॉडी इज अबाउट टू मूव, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम मतलब अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एफ टू कितना है, म्यू टू एम जी। अच्छा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है, नॉर्मल रिएक्शन कितना है, टू एम जी, और यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कितना होगा, म्यू वन वाला होगा कि म्यू टू वाला होगा, ये तो नीचे रखा है, तो इट इज म्यू टू इंटू आर, तो व्हाट इज एफ थ्री रिक्वायर्ड, इट शुड बी म्यू टू इंटू कॉल इट आर थ्री रेदर, म्यू टू इंटू आर थ्री, सो इट इज म्यू टू इंटू टू एम जी, बट म्यू टू इंटू एम जी क्या है, एफ टू, तो ये क्या हो गया, सो द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक इज टू एफ टू। क्या बात समझ में आया? यस सर। ऊपर से गया? नहीं, गया। अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर? अंडरस्टैंडिंग। वापस क्या फिर से चाहिए? जोर से बोलो जो चाहिए। फिर से वापस क्या है होता? फिर से समझा सकते हैं, वापस समझा सकते हैं, मतलब मुझे रिवाइंड करना पड़ेगा क्या? वो तो गया, दूसरी बार समझा देते हैं, है ना? अच्छा देखो ये ब्लॉक लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है मतलब जस्ट चलने वाला है, तो एफ वन कितना है, म्यू वन एम जी, समझ में आया ना, ये एफ टू म्यू टू एम जी हुआ। अच्छा इसका मतलब बी और फ्लोर के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू टू है और ए और फ्लोर के बीच में म्यू वन है, यहाँ पर कौन स्लाइड करेगा, बी की है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या लेंगे, म्यू टू, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या है, दोनों का वेट टू एम जी,
तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स होगा यहाँ पर? मैक्सिमम म्यू टू इंटू टू एम जी, माई फोर्स मस्ट बी एबल टू सुपर सीट दिस वन, सो फॉर जस्ट मूविंग माई एफ थ्री मस्ट बी इक्वल टू म्यू टू आर थ्री, एफ थ्री इज म्यू टू आर थ्री, आर थ्री है टू एम जी, तो टू म्यू एम जी हुआ, जबकि म्यू टू एम जी क्या था, ये म्यू टू लिखने के लिए मुंह भूल गया, समझ में? म्यू टू एम जी का वैल्यू क्या था, एफ टू, सो ट्वाइस ऑफ म्यू टू एम जी क्या हो जाएगा, टू एफ टू, आया समझ में? हाँ हाँ, चलो आगे। ए ब्लॉक ऑफ फोर केजी स्लाइडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ ए लिफ्ट, फिर म्यू इज 0.5, ठीक है, किसी लिफ्ट के फ्लोर पे ब्लॉक चल रहा है, ये है लिफ्ट, ये सपोज हम कहेंगे कि ये प्लेटफॉर्म है, ये लिफ्ट है, और ये लिफ्ट मूव कर रहा है, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट मूव कर रहा है, कैसे, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, क्या एक्सीलरेशन, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कोई ब्लॉक है जो स्लाइड कर रहा है, दिस ब्लॉक इज स्लाइडिंग, ये स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा इसके ऊपर, कितना होगा स्लाइड कर रहा है, तो अगर इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन हुआ आर, तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू आर, सिंपल सा बात है, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी म्यू आर, बस यही तो निकालना है, फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू आर, लेकिन आर क्या है पता करें, ये उसका वेट है एम जी, और क्योंकि ये नीचे आ रहा है एक्सीलरेशन एम ए, स्यूडो फोर्स कैसे आएगा एम ए, है कि नहीं? क्या आपको समझ में आया कि स्यूडो फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड, है ना? देन व्हाट इज आर, एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, और एट और आई कैन से इज द ब्लॉक डज नॉट मूव, सॉल्यूशन एज द ब्लॉक डज नॉट मूव वर्टिकली, वर्टिकली विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर, विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर, तो आप क्या कहोगे, अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, आर प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी, और आर इज एम जी माइनस एम ए, ऐसा केस तो हम लोग बार बार किए हैं पहले, कोई ब्लॉक अगर नीचे जा रहा है तो इसका हो जाएगा आर का वैल्यू एम जी माइनस एम ए, क्या बात समझ में आया? और ये स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू इनटू आर, सबका वैल्यू दिया हुआ है डाल, एम दिया हुआ है कितना 4 केजी, और ए दिया हुआ है 2, 40 माइनस 8 इज 32, इनटू म्यू दिया हुआ है कितना 0.5, सो इज इट कमिंग 16 न्यूटन, यस सर, आया, यस सर, आया समझ में सबको, यस सर, चिन्मय दत्ता को समझ में आया? हाँ, क्योंकि नीचे आने के कारण नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया है, क्यों कम हो गया, क्योंकि स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ हो गया, सोचो कि अगर ये लिफ्ट फ्री फॉल करता, मतलब ए का वैल्यू क्या होता, जी, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता, जीरो, क्योंकि ये वेटलेस हो गया, कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं रहेगा, नहीं तो आप कहोगे कि फ्रिक्शनल फोर्स विल बी जीरो, समझ में आया, स्लाइड कर रहा है उसके बावजूद फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है। अच्छा, इन फिगर शो लेंथ ऑफ चेन इज एल, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चेन, एक चेन रखा हुआ है जिसका लेंथ एल है और मास कितना दिया नहीं है, आप अस्यूम कर सकते हो मास इज एम, बोला कि ये चेन का कुछ हिस्सा झूल के रखा है बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल, और ज्यादा हिस्सा झूला के रखेंगे तो फिसल जाएगा, कितना मैक्सिमम झूला के रख सकते हैं, मैक्सिमम कितना झूला के रख सकते हैं जब पूछा जा रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि और थोड़ा सा भी ज्यादा झूला के रखेंगे फिसल जाएगा, मतलब नाउ इट इज द वर्ज ऑफ मोशन, ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन में अप्लाइड फोर्स कौन से फोर्स के बराबर होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल, समझ में आ रहा है क्या? तो हम कहेंगे एज चेन इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, अप्लाइड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, है कि नहीं? अप्लाइड फोर्स क्या है यहाँ पर, जो फोर्स इसको ड्राइव करने की कोशिश कर रहा है,
यहाँ पर कौन खींच रहा है इसको मूव करवाने के लिए? द फोर्स पार्लर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट, इट इज वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट, है कि नहीं? अप्लाइड फोर्स क्या है? वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट कितना है? ये मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द चेन हैंगिंग इनटू जी. क्या बात समझ में आया? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? इट इज म्यू टाइम्स द नॉर्मल रिएक्शन. क्या है नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे? व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन हियर? यहाँ पर म्यू का वैल्यू लिखा है, फिर थोड़ा इसको नीचे लेते हैं. हाँ, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन हियर? आपको इट इज द वेट ऑफ दिस पार्ट. ये पार्ट का लेंथ कितना है रोनक? व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पार्ट? एल माइनस एक्स. तो बताओ म्यू आर का वैल्यू. तो लिखेंगे म्यू के जगह म्यू, आर के जगह क्या लिखेंगे? वेट ऑफ दिस पार्ट. वेट ऑफ दिस पार्ट क्या हो जाएगा? मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द चेन ऑन द टेबल इनटू जी. क्या बात समझ में आया? बात समझ में आया? यू कुड नो द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि समझ में आ रहा है. आर यू ऑल कंफर्टेबल विथ? कि मुझे जोर जोर से भाग रहा हूँ, धीरे धीरे जाना चाहिए. ठीक है चिन्मय? हाँ क्या बोला? तो ऐसे ऐसे कहता है कि क्या मतलब? वो बड़ा चला गया ऐसे करने से. हाँ ऐसे करने से ना, वो ऐसे तिरछा मारता है. आपको कंपोनेंट दिखना है कितना हाँ है कितना ना. हाँ का कंपोनेंट ज्यादा हुआ तो हाँ समझ में आ रहा है, ना का कंपोनेंट ज्यादा हुआ तो क्या है नहीं? चेन्नई में यही तकलीफ होता है. चेन्नई में हम लोग कैसे करते हैं? हाँ बताओ. हम लोग ऐसे ऐसे हाँ करते हैं, ऐसे से ना करते. वो लोग कैसे करते? ऐसे ऐसे करते. अब ऐसे से करें क्या हुआ? हाँ या ना? आमा 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 ऐसे करें. आमा आमा करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा. समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग एक्वेटेड है ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे. वो लोग ऐसे ऐसे करेंगे. समझ में आया? आमा 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 करेंगे तो क्या पता चलेगा कैसे हो रहा है? ठीक. तो डालो इसमें क्या है? पुटिंग इन इक्वेशन वन. Putting in equation 1, FA is equal to FL. FA था M by LX into G और ये था M by L into mu into L minus X into G. मार्केट करो, X का वैल्यू मिला क्या? Mu L by 1 plus mu. आया? हाँ करना पड़ता है, क्या करेंगे? करना क्या पड़ेगा? 25 बार किया हूँ, मेरे को याद है आंसर. अरे तुम लोग एक साल में पढ़ के इतना सारा चीज सीख जाते हो, मैं 30 साल से वही कर रहा हूँ. क्या बड़ी चीज है? व्हाट ए बिग क्रेडिट. क्रेडिट है कोई? तुम 25 साल में नहीं पढ़ोगे तुमको याद नहीं रहेगा क्या? मेरा कोई क्रेडिट नहीं है. हाँ चीज ये है कि मैं चीजों को ढंग से समझाऊं, रट्टा मार के नहीं आया. इसलिए तुम लोग रट्टा मार के जाओगे तो कोई काम का नहीं बनेगा. आई सी सम टीचर्स इन सम स्कूल, दे आर टीचिंग सिंस लास्ट 20 ईयर. पहला साल में जो गलतियां थी अभी वो गलतियां रिपीट हो रहे, मतलब वो ठीक ठाक अभी भी नहीं कर रहे, है ना? क्या ये समझ में आया? जेई का क्वेश्चन. ठीक. हियर द फ्लोर इज स्मूथ. फ्लोर स्मूथ है. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स इज 0.5. फाइंड मिनिमम एफ फॉर व्हिच दे जस्ट स्टार्ट मूविंग. क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? मिनिमम एफ, बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो मूव करेगा. मिनिमम एफ मतलब जस्ट मूव करने वाला है, मतलब बोथ ऑफ देम आर इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम. क्या बात समझ में आया? क्या बताओ? तो अगर एफ को बढ़ाएंगे कौन सा ब्लॉक पहले स्लाइड करेगा? 2 kg की 4 kg? अरे गधे, दोनों जुड़े हुए, ये भी चलेगा तो भी चलेगा. नहीं 2 kg पहले चलेगा, 4 kg दिखा अच्छा 2 kg भागे, चलो मैं भी चलूँ. अरे नहीं, बंधे हुए हैं दोनों, है कि नहीं? हाँ तो कैसे सोचे? चलो सोचते हैं. मालूम तो नहीं है. चलो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे. पहले हम देखेंगे 2 kg के बारे में. फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg. 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया 2 kg. हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन 2 kg? कौन बताएगा कितने तो फोर्स आ रहा है 2 kg के ऊपर? हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस?
एक तो मैं खींच रहा हूँ एफ, और एक उसका अपना वेट है, और एक नॉर्मल रिएक्शन तो होगा ही, और एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा। फ्रिक्शनल फोर्स किधर को होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ एफ और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एफ, क्योंकि खींचोगे तो इधर जाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी लाइक दिस। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अच्छा, और क्या फोर्स है? टेंशन। तो ये सारा फोर्स को अगर तोड़ मरोड़ के देखेंगे तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो मंथ्स, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल डाउनवर्ड फोर्स गिव्स यू आर इज इक्वल टू टू जी, एंड सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो मीन्स राइटवर्ड फोर्स इज इक्वल लेफ्टवर्ड फोर्स गिव्स यू टी इज प्लस म्यू आर इज इक्वल टू एफ। हुआ क्या? इधर को क्या फोर्स है? एफ। इधर को क्या है? टी प्लस म्यू आर, है कि नहीं? तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर कैसे हुआ? फ्रिक्शनल फोर्स तो कुछ भी हो सकता है जीरो से म्यू आर के बीच में। म्यू आर क्यों लेंगे? क्योंकि हम दिए हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर व्हिच द ब्लॉक इज अबाउट टू मूव। अबाउट टू मूव मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? म्यू आर। क्या बात समझ में आया गौरव? नहीं आया? सिग्मा भुजा। हाँ, तो क्या कहोगे आप? राइटवर्ड फोर्स इज अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स है कि नहीं? तो क्या हो गया? आर इज इक्वल टू जी। अब समझ में आया? ज्यादा लिखने से समझ में नहीं आता, ठीक है? चाहिए तो हमें ये आर इज इक्वल टू जी, और फोर्स टुवर्ड्स राइट इज इक्वल टू फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। इधर को क्या फोर्स है? टी प्लस म्यू आर। इधर को एफ, आर की जगह टू जी डालो तो क्या मिल गया? टी प्लस म्यू टू जी इज इक्वल टू एफ। ये सब चीजें हमें मिला कहां से? फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ, फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ टू के। चलिए देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम किसका? फोर के जी का। कोई बताएगा फोर के जी के ऊपर कितने ठो एक्सटर्नल फोर्स आ रहे हैं? हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस? सही बताने वाले को शाबाशी मिलेगा। कितना ठो एक्सटर्नल फोर्स फोर के जी के ऊपर आ रहा है? नीचे स्मूथ है, फ्लोर इज स्मूथ। एक तो थ्रेड खींच रहा होगा, और ये जो 2 के जी के ऊपर आर आर था, ये आर दिया कौन था? 4 के जी दिया, तो भी इसके ऊपर आर दे रहा होगा, है ना? और क्या है? नीचे से तो कोई दूसरा फोर्स आ रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, कॉल इट आर डैश, और इसका अपना वेट भी तो होगा 4g। और क्या है? और इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आया है कितना है? म्यू इंटू आर। तो इसके ऊपर भी तो आएगा, कैसे आएगा? उल्टा आएगा कि नहीं आएगा? तो हाउ मेनी फोर्सेस? फाइव फोर्सेस। नहीं, अब ये भी चलने वाला है, जस्ट चलने वाला है। ये कौन है? 5 kg। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब बताओ, बताओ फोर्स टुवर्ड्स राइट इज इक्वल टू फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, तो क्या कहोगे? टी इज इक्वल टू कितना है? म्यू आर, और आर का वैल्यू क्या था? 2g। तो ये हो गया म्यू 2g। दोनों इक्वेशन को प्यार से देखो, ये टी हो गया 2μg। पुटिंग इन इक्वेशन वन, पुटिंग इन इक्वेशन वन क्या मिला? 2μg प्लस 2μg इज इक्वल टू एफ। इसका मतलब एफ कितना है? 4μg। म्यू कितना दिया था? कितना दिया था म्यू का वैल्यू? म्यू 0.5, सो इट इज 0.5 इंटू 4g। 4g हो गया 40, इंटू 0.5 हो गया 20 न्यूटन। तो जस्ट मूव द ब्लॉक्स यू नीड अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। कुछ लोगों को तकलीफ लग रहा होगा क्योंकि वो पुराने चीजों को भूल जाते हैं और बीच बीच में एक दो क्लास घूमने चले जाते हैं, और वीडियो शेयर करने से पढ़ के नहीं आते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके चलते उनको पूरा समझ में नहीं आता है। कौन है वो बंदा? कोई हाथ उठाओ जिसको समझ में नहीं आ रहा है, और वो झूठ भी बोलते हैं, समझ में नहीं आने से भी आ रहा है बोलते हैं। कौन कौन है वो? हाथ उठाओ। हाँ, झूठ बोलते हैं तो हाथ कैसे उठाएंगे?
समझ में आया गौरव? तेरे को आया चिन्मय? हाँ चिन्मय को समझ में आया, बोल दे वीडियो, अगले क्लास पूछेंगे तेरे को। समझ में आया पूरा? Have you understood really all these steps? एक सेकेंड से क्या? म्यूटू जी कहाँ से लाए? कौन सा स्टेटमेंट में बता बेटा? यहाँ पर ये, अरे ये जो आर का वैल्यू क्या था, आर क्या था? टू जी, तो म्यू आर क्या हो जाएगा? अरे आर का वैल्यू क्या था यहाँ पर, तो म्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? आया कहाँ से लाया, समझ में आया? बस समझ में आया, ये था खुशी। थोड़ा शायद आखिरी बार ज्यादा डिफिकल्ट लगा तुम लोगों को, लिख लो। हाँ लिख लो, हाँ इजी था, थोड़ा बड़ा हो गया, चलो माफ करो इसको, नहीं बताना चाहिए था, कर दिया। अच्छा ठीक ठीक ठीक, अगला क्वेश्चन तुम लोगों के लिए दिया जाएगा। वी हैव टाइम, यस, चार मिनट हमारे पास, चार मिनट समय है, चार मिनट में कुछ क्वेश्चन देंगे, आप ट्राई करके लेके आना अगले क्लास, और भी हमें ढेर सारे क्वेश्चन करना है। फिक्शन विल बी फिनिशिंग नेक्स्ट क्लास, उसका नेक्स्ट क्लास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है? तो बात आया यहाँ पे, यहाँ पे आपको बताना ये है, कि एक ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, एक ब्लॉक इज केप्ट हियर, ब्लॉक इज केप्ट हियर, मास ऑफ द ब्लॉक इज वेरी स्मॉल, समझ में आया? बहुत छोटा है, ठीक। और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू है, आपने इसको पुश करके मूव करवाने की कोशिश किया, समझ में? कोई एक फोर्स लगा के पुश करके मूव करवाने की कोशिश किया। सोचो तो थीटा अगर जीरो होगा तो वो आराम से मूव कर जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कम है। थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो मूव करेगा क्या? मतलब जीरो से 90 की तरफ अगर थीटा को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, पहले तो मूव करेगा, एक समय के बाद और मूव नहीं करेगा। आपको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा फॉर व्हिच द ब्लॉक मूव्स, उससे ऊपर हो जाएगा तो और थीटा मूव नहीं करेगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड मास नेग्लिजिबली स्मॉल है, फाइंड मैक्सिमम थीटा फॉर व्हिच ब्लॉक मूव्स, सोच के आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन, मैक्सिमम थीटा फॉर व्हिच द ब्लॉक मूव्स, उससे ज्यादा हो जाएगा थीटा का वैल्यू तो कितना भी फोर्स लगाओ बॉडी विल नॉट मूव विद व्हाटएवर फोर्स यू अप्लाई, है ना? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 11 था, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि यहां पर कोई एक पहलवान खड़ा है और ये पहलवान कोई ब्लॉक को ढकेलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? ब्लॉक उसके सामने रखा हुआ है, ही इज पुशिंग द ब्लॉक हॉरिजॉन्टली, और ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक के नीचे फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग है, यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.3 और यहां पर दिया है उसके पांव के नीचे 0.5। आदमी का वजन है 50 केजी का आदमी है, तो अगर बहुत बड़ा मास होगा तो पुश कर पाएगा क्या? व्हाट मैक्सिमम मास ही कैन डिस्प्लेस, उसे ज्यादा होगा तो पुश जितना भी करेगा नहीं मूव करवा पाएगा, मास छोटा होगा तो डिस्प्लेस कर सकता है, कितना मैक्सिमम मास को मूव करवा सकता है? फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम दैट द मैन कैन डिस्प्लेस, आया समझ में?
आखिरी क्वेश्चन हो गया, ये लिख दिए? हाँ, आखिरी क्वेश्चन है, ये कोई पहलवान है जो ऐसे खड़ा है, ये है पहलवान, ये उसका बॉडी और ये उसके टांगे, ठीक है, ऐसे पांव फैला के खड़ा है, समझ में आ रहा? दिया है कि यहां पर ये जो आदमी है इसके टांगे इसके साथ कुछ थीटा एंगल कर रहे हैं, कोई स्मूथ सरफेस पे आप ज्यादा फैला के खड़ा हो सकते हो क्या? नहीं, तो रफ होना चाहिए, कम से कम कितना म्यू होना चाहिए इसे खड़ा होने के लिए, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू टू स्टैंड लाइक दिस, फाइंड मिनिमम म्यू टू स्टैंड एसोन, कुछ नहीं दिया डाटा वाटा, ऐसे खड़े रहने के लिए मिनिमम म्यू क्या होना चाहिए, उसके दोनों पाँव को थोड़ा ज्यादा मोटा कर देते हैं, यस, ताकि दिखेगा, चल मिल लूंगा, यस, पूछा है ये आदमी अच्छा हाथ नहीं है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, समझ में आया, ये आदमी कितना मैक्सिमम व्हाट शुड बी द मिनिमम म्यू, कितना पाव फैला के खड़ा रहने के लिए, क्या क्वेश्चन समझ में आया? yes. क्या आप लोग ट्राई कर पाओगे इस क्वेश्चन को? करो, करके आंसर भेजना, देखते हैं यूट्यूब में कौन कौन आंसर दे रहा है, ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, क्या मालूम कब है, सैटरडे को गणेश पूजा है, मैं नहीं क्लास करने, सैटरडे को तुम लोग क्लास है ही ना, क्योंकि संडे है, हाँ तो संडे को अगर आओगे आप लोग, संडे आर यू ऑल कमिंग? श्योर? क्या उस दिन नुआ खाई क्या है, डेली खाते हैं नया, और क्या खाएंगे, सब चीज खा चुके हैं, नहीं तो फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।